नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं हूं कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद के बिलारी की, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बता दें कि महिला अपने घर से सीएससी बिलारी अपने पति के साथ आंखें चेक कराने आई थी। डॉक्टर ने महिला की आंखें देखने के बाद अस्पताल से दवाई न देकर महिला को दवाई का प्राइवेट मेडिकल कर पर्चा लिख कर दे दिया। महिला का पति सीएससी बिलारी के सामने बने मेडिकल स्टोर से ड्रॉप और कुछ खाने की दवाइयां लेकर आया। दवाई लेने के बाद महिला की आंखों में अस्पताल में ही बैठाकर ड्रॉप डाला गया। अचानक ड्रॉप डालने के चंद मिनटों बाद ही महिला के मुंह से और नाक से ब्लड आने लगा, जो अस्पताल में साफ देखने को मिल रहा है। कहाँ से लेने आए थे आप? बिलारी से। तो क्या हुआ? तो मना कर दे कि ये दवा खाएगा, तो मैं दवा नहीं खाता, खवाऊंगा इसे ना, दवा खवाओ, दवा खवानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? उन्होंने दवा लिख दी, शीशी नहीं लिखी। कहाँ से आएगी दवा? दवा यहाँ से ली, अस्पताल से। अच्छा, बाहर की कोई दवा? कहाँ पे आप दवाई लेना थे? सरकारी अस्पताल में आए। कौन सी जगह? बिलारी। तो क्या हुआ? दवा लेने आए, आँखों में खुजली थी, खुजली की दवाई डाली, डालने से वो बाहर की मेडिकल चली गई, तीन बार बताई तो उसमें डाल रहे, मुँह जरा घुनाया, फिर नक्की भी चली, दिखाया दोबारा आए भागते। किसने लिखा था, कहाँ से, कहाँ के लिए लिखा था? यहाँ पे तो 11 नंबर में जा में। तो कहाँ से लिखा? बाहर से दवाई थी? हाँ, बाहर की दवाई है। तो कितने रुपये की दवाई लिखा थे? 135 रुपये की। तो क्या हुआ? अब दिक्कत हो गई उसमें। क्या दिक्कत हुई? घुन आया, मेरे जिंदा ये भरा अस्पताल में भरा। क्या बजे आए थे गांव स्कूल में या अस्पताल में? मैं 12 बजे आए थे। किसी डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया आपको? तो उन्होंने दवाई ये दूसरी लिख के दी है। क्या कहा? उन्होंने ये दवाई ले आओ। तो अब कैसी तबीयत है? तबीयत लेट ही है। तबीयत ठीक नहीं है अभी? कहाँ दिक्कत है, अभी नहीं है। दवा लगाइए अब? अभी कोई नहीं खाइए, कोई अस्पताल दवा नहीं लगाइए अभी तक। कितनी दिक्कत आ रही है आपको मरीज को? यहाँ भी खून भरा है, अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं है क्या? मैंने छुट्टी कराया। क्या कर रहे हैं? छुट्टी गए हैं, क्यों और नहीं कर सकता? क्या पता साहब, ये तो डॉक्टर बाहर कहाँ कराने भेज रहे हैं? बाहर को बोला ही नहीं, बोले बाहर करा दिया।